हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडिपेंडेंस डे पे हिंदी में स्पीच को लिखना सीखेंगे। अगर आपको इंग्लिश में स्पीच चाहिए तो ऑलरेडी हमने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये स्पीच जो है हमारा हिंदी में है, इसे आप अपने स्कूल या ऑफिस में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माननीय अतिथि महोदय, आदरणीय प्राचार्य, सभी शिक्षक और मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक साल हमारे देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और 15 अगस्त को हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 15 अगस्त भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय त्यौहार है। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। इस शुभ दिन पर हमारा देश सैकड़ों वर्षों की अंग्रेजी पराधीनता से स्वतंत्र हुआ था। अनेकों आत्म बलिदान के त्याग और सैकड़ों महापुरुषों के संघर्ष एवं तपस्या से यह आज़ादी हमें मिली है। तब से भारत के करोड़ों नागरिक इस त्यौहार को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ प्रत्येक साल मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। 14 और 15 की मध्यरात्रि को कई विद्रोह के बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। हमें स्वतंत्र हुए आज 75 वर्ष हो गए हैं। हमारा भारत 200 वर्ष तक अंग्रेजों के अधीन था, जिसके बाद हमारे देश में आज़ादी के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें बहुत से महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया और भारत को एक स्वतंत्र देश बनाया। स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पूरा देश हर वर्ष पूरे हर्ष और उल्लास के साथ इस दिन को एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं और स्कूल और कॉलेज और भारत के सभी संस्थानों में तिरंगा झंडा को फहराया जाता है और इस दिन बच्चों सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग भी लेते हैं और हास्य नाटक, भाषण, नृत्य जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे सैनिक और एनसीसी कैडेट परेड भी करते हैं। परेड और विभिन्न राज्यों की झांकियां निकाली जाती है तथा बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत भी किए जाते हैं। 15 अगस्त को सभी सरकारी कार्यालयों पर भी राष्ट्रध्वज फहराया जाता है तथा सभी लोग अपने घरों व दुकानों पर भी राष्ट्रध्वज को फहराते हैं। 15 अगस्त भारत के गौरव और सौभाग्य का पर्व है। इस प्रकार पूरी उमंग और उल्लास के साथ इस राष्ट्रीय पर्व को मनाकर हम राष्ट्र की स्वतंत्रता तथा सार्वभौमिकता की रक्षा का प्रण लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी हिंदी में स्पीच इंडिपेंडेंस डे पे। आई होप आपको ये स्पीच अच्छा लगा होगा। अगर ये स्पीच अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।